नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों, आज के इस वीडियो का विषय यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है, यानी कि बोलने की आज़ादी क्या होती है, जानेंगे इस वीडियो में इस बात को। तो बने रहिए इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि आपको कानून से संबंधित रोज नई नई जानकारियां मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर सुना ही होगा कि मेरे बोलने की आजादी ये है, मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच ये है। हम कुछ बातें बोलते हैं तो वह हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच होता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारा मूल अधिकार होता है जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दी गई है। बोलने की आज़ादी के अंतर्गत प्रेस की भी आज़ादी आती है, मीडिया की आज़ादी आती है। आपने देखा ही होगा कि मीडिया कुछ भी ऐसा बात बोलता है लेकिन उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती है, तो वह हमेशा यह दुहाई देते हैं कि यह मेरे बोलने की आज़ादी है। आपने देखा ही होगा कि जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं वह एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई, इतनी संगीन कार्रवाई नहीं होती है, छोटी मोटी कार्रवाई होती है, और वह यह कहते हैं कि हम मेरी बोलने की आज़ादी होती है। जब कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस में भाषण देता है तो वह उसकी बोलने की आज़ादी होती थी। ये बोलने की जो आज़ादी है वह हमारे संविधान में दी गई है, लेकिन बोलने की आज़ादी का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ ऐसा बोलने के किसी व्यक्ति के गरिमा के खिलाफ हो, यानी कि बोलने की आज़ादी में आप उसका मिसयूज नहीं कर सकते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, पब्लिक के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, पब्लिक के अच्छे हित के लिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ पॉलिटिशियन होते हैं जो कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा मिसयूज करते हैं। आपने देखा ही होगा कि बिहार में लालू के जो बेटे हैं वो तेज प्रताप हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में और फिर प्रधानमंत्री के बारे में कुछ ऐसी बातें बोल दी थी, तो वह बोलने की आज़ादी का वायलेशन है, यानी कि वायलेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप सरकार के नीतियों का, सरकार के कार्यों का आलोचना कर सकते हैं लेकिन आप सरकार में जो व्यक्ति है वह उसको पर्सनल या फिर उसके उस पोस्ट को गाली नहीं दे सकते हैं, अपशब्द नहीं कह सकते हैं और ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते हैं जिसमें कि उस व्यक्ति के पोस्ट की गरिमा को तार तार किया जाए। तो आज ताज़ा मामला यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके बेटे, यानी कि उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे के बारे में एक ट्विटर यूज़र ने कुछ बातें ऐसे कह दी जिससे कि वह इतने नाराज़ हो गए कि उस व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज हो गया। अब वह जब वह व्यक्ति बॉम्बे हाई कोर्ट में उस FIR को रद्द कराने के लिए पहुंचता है तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि यदि आप CM जैसे पोस्ट को अपशब्द कहते हैं या फिर कुछ ऐसी बातें कहते हैं जो उसके गरिमा को भंग करता है तो यह आपके बोलने की आज़ादी का वायलेशन है और आपके ऊपर मुकदमा चल सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के खिलाफ सोशल मीडिया के माध्यम से भी कुछ ऐसी बातें बोलता है जिससे कि उसके गरिमा को ठेस पहुंचती है तो आपके ऊपर IT एक्ट के माध्यम से आपके ऊपर भी मुकदमा हो सकता है। तो दोस्तों, यह था कि बोलने की आज़ादी क्या होती है, बोलने की आज़ादी के अंतर्गत क्या क्या होती है और बोलने की आज़ादी में यदि आप किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी अपशब्द बात बोलते हैं तो आपके खिलाफ FIR भी हो सकती है और आपके खिलाफ मुकदमा भी और आपको जेल भी हो सकती है। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल विधिटेरिया को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।